सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। तो आज के इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग बना सकते हो एक ऑटोमेटिक बोन मील फार्म। तो भाई ये फार्म ना बनाना बहुत ही आसान है। वैसे तो अगर आपको बताऊँ ना, तो बोन मील के भाई जितने मर्जी फार्म बना लो, हर टाइप का वर्क करता है, ठीक है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैक्टस वाला फार्म। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे ज़रूर से कर देना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो है ज़मीन के ऊपर कुछ चार ऐसे ब्लॉक रख दो, ठीक है, कुछ इस टाइप से, बस ऐसे। और अब जो है इसके चारों तरफ जो है एक एक ब्लॉक छोड़ के ऐसे बाउंड्री बना दो। ठीक है, ये हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो किसी भी एक कोने पे ना ऐसे आके, और यहाँ पे आपको लगानी होगी चेस्ट। तो ये लग गई चेस्ट अपनी, और यहाँ पे लगा दो आप एक हॉपर कुछ इस टाइप से। ये हो जाने के बाद यहाँ पे जो है आप लोग ऊपर की तरफ ग्लास लगा सकते हो, यहाँ पे लगा दो एक ग्लास। और अब डालना अपने को वाटर इसके अंदर। तो ये देखो एकदम से जो होपर है ना उसकी सीध वाला ये वाला कोना ना यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे इस वाले कोने पे पानी डाल दो, बस अपना काम कंप्लीट हो गया। अब बस यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से कुछ कैक्टस लगाने, पहले तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और ये लग जाने के बाद ना आपको जो है बीच में यहाँ पे कुछ यहाँ पे फेंसेस लगाने पड़ेंगे। ये देखो ऐसे इस टाइप से, अगर आप लोग चाहो तो बीच वाली तोड़ भी सकते हो, बट ऐसे लगा देना, ठीक है। तो ये आपका जो कैक्टस फार्म है ये बन के तैयार हो चुका है। अब बस आपको बोन मिल को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब इस कैक्टस को बोन मिल बनाने के लिए यहाँ पे आना है, यहाँ पे अपना एक चैम्बर बना लेना, ठीक है, कलेक्टिंग एरिया। तो देखो अब क्या करना है, इस वाले चेस्ट के नीचे आओ, यहाँ पे एक हॉपर लगा दो पहले तो। उसके बाद ये जो होता है कंपोस्टर होता है, कंपोस्टर को यहाँ पे लगा दो, और इसके नीचे लगा दो अब एक हॉपर, और यहाँ पे लगा दो एक चेस्ट। बस आपका बोनविल फार्म बन के रेडी हो चुका है। अब जब भी देखो कैक्टस इसके अंदर टूटेंगे ना, सपोज करो कि मैं ये कैक्टस इसके अंदर गिरा पानी में, ये देखो ये गया ये हॉपर में, हॉपर से चेस्ट में, और अब जो है ये देखो बोनविल बन रहा है। अभी तो यहाँ पे बोन मिल आ जाएगा, ये देखो। अब तो ये बोन मिल फार्म कुछ इसी टाइप से वर्क करता है, यहाँ पे अब बस आता रहेगा बोन मिल। ये दो हो गए, और ये देखो ये बनी रहा अभी भी। यहाँ पे जितना भी आएगा ना कैक्टस वगैरह वो सारा बोन मिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा कैक्टस फार्म। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो बस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रख लो, क्योंकि आगे जो मैं एक ऐसा ही कैक्टस फार्म बनाने वाला हूँ वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपको हर एक सेकंड के अंदर बोन मिल मिलेगी, हर एक सेकंड में। तो बस यार सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।